हेलो लोरस, दिस इज योर प्रेजेंटर अभी। सभी विद्यार्थी व शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है इस शिक्षा केंद्रित चैनल में। सो जल्दी जल्दी देखते हैं आज का वीडियो का विषय क्या है। पुनः आज का वीडियो का विषय यही है, न्यू संस्कृत नेट सिलेबस 2019 एनालिस पार्ट थ्री। पार्ट थ्री क्यों है, इसका पार्ट एक और पार्ट दो बना चुके हैं हम। मतलब इतना लंबा सिलेबस है, मतलब एक पार्ट से नहीं होगा, तीन तीन पार्ट बनाना पड़ा हमको। तो उसका हमने डिटेल एनालिस किया है। सो जो लोग जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उससे उससे हम जरूर ये अनुरोध करेंगे कि वो पार्ट वन एंड पार्ट टू जरूर देखें ताकि रिलेवेंस बने रहे। तो देखते हैं क्या है अभी। यस, इकाई एट मीन्स यूनिट एट। इकाई सेवन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमने यूनिट एट का हमने एनालिस करना है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन, उसमें है पद्य बुद्ध चरितम, उसका प्रथम सर रघुवंशम, उसका प्रथम सर किरातार्जुनम, उसका प्रथम सर शिशुपाल वध, उसका प्रथम सर नैषधीयसहितम, उसका भी प्रथम सर, सारे प्रथम सर है। इससे इस पद्य इस पोर्शन से हमको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो जनरल क्वेश्चन है वही हमको फर्स्ट डिस्कशन करना है। पहले तो कौन से महाकाव्य है संस्कृत के जो काव्यों में से, वो कौन से महाकाव्य क्या क्या है, उसमें से साठ पे ये पे मिल गए। रघुवंश में उसमें एक, उसके बाद किरातार्जुनीय में, उसके बाद शिशुपाल वध है, उसके बाद नैषधीयसहितम में, ये तो चार हो गए। और एक है, और एक वो भी कालिदास की है, वो है कुमार संभवम। ये है कौन से महाकाव्य। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पंच महाकाव्य के अंतर्गत, पंच महाकाव्य के अंदर में कौन से महाकाव्य आते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन निकल सकता है कि रघुवंशम, किरातार्जुनम, शिशुपाल वध, नैषधीयसहितम एंड कुमार संभवम। उसमें से कालिदास ने दो दो रचना की है, वो है कुमार संभवम एंड रघुवंशम। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लघु संस्कृत के काव्यों में दो भाग ऐसे हैं कि उसको काव्य को लघुत्रयी या बृहत्त्रयी कहे जाते हैं। लघुत्रय विषय के अंतर्गत क्या क्या है, यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिखने की, नहीं लिख सकता, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है हमारी। असली जिंदगी में तो बहुत ही है, यहाँ पे कंप्यूटर में भी बहुत ही गंदी है क्या करें अभी। लघुत्रय के अंदर क्या क्या है, लघुत्रय के अंदर है कालिदास के रघुवंशम, कुमार संभवम और उनके एक जो खंड काव्य है मेघदूतम, वो लघुत्रय के अंतर्गत आता है। वे क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए हम डिस्कशन करें। उसके बाद एक और है बृहत्त्रय काव्य में कौन से काव्य आते हैं, वो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम एंड नैषधीयसहितम। ये तीनों विराट बृहत्तर के अंतर्गत है। उसके अलावा ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है इन सारे काव्यों में, इन सारे काव्यों में सर्ग कितने होते हैं, मतलब कितने चैप्टर होते हैं। वो पहले तो बुद्धचरितम है 28, उसके बाद रघुवंशम में कितने हैं 19, उसके बाद किरातार्जुनीयम में कितने हैं 18, उसके बाद शिशुपाल वध में कितने हैं 20, उसके बाद नैषधीयसहितम में कितने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना पड़ेगा वीडियो देख रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन तो करना जरूरी है। इसलिए वीडियो में आप ही बताइए हमें कि नैषधीयसहितम में कितने सर्गे, आपने कमेंट में कमेंट करके लिखना है, जो भी लिखेगा उसको एक हार्ट मिलेगा, सच्ची झूठ नहीं बोला सच्ची। उसके बाद और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है जो जनरल विशिष्ट अध्ययन कहा है ना, मतलब एक जनरल नॉलेज, जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हमेशा रहना चाहिए बुद्ध चरित में। बहुत ही गंदा हो गया जी। उसको साफ कर देते, बहुत ही गंदा लग रहा है। उसके बाद बुद्धचरित में क्वेश्चन आता है कितने सर्गे ज्यादा, और उसका जो ग्रंथकार है वो है अश्वघोष। अश्वघोष के और एक क्वेश्चन आता है कि अश्वघोष ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, वो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो हम लिस्ट बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें। उसके बाद है रघुवंशम,
रघुवंश के नायक कौन है, नायिका कौन है, उसके बाद उसमें कौन सा रस प्रधान थे, मतलब सारे महाकाव्य के ये सब क्वेश्चन तो कॉमन रहते हैं, जैसे कौन नायक है, कौन प्रतिनायक है, कौन राजा है, कौन महाराजा है, कौन सा कितने कितने श्लोक है, कौन सा रस इसमें प्रधान रस है, ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद शिशुपाल वध है, उसके बाद नैषधीय चरितम है, शिशुपाल वध कौन से ग्रंथ से लिया गया है, सबको पता है, महाभारत से, सभा पर्व, बी स्पेसिफिक, सभा पर्व से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो इनमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे जो हम बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो, ताकि कोई मुश्किल ना हो किसी को। उसके बाद है नाट्य, नाट्य क्या क्या देखना पड़ेगा, स्वप्न वासवदत्तम, अभिज्ञानम, शकुंतलम, बेनी संहारम, ये तो बहुत ही फेमस नाटक है। मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामसेतम, रत्नावली और मिश्रकथिक, इसका भी सेम ही एजेंडा है। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इतने सारे जो नाटक है उसका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है मैं कौन से नाटक में कितने कितने अंक होते हैं। स्वप्न वासवदत्तम में कितने हैं, सिक्स अंक। अभिज्ञान शकुंतलम को सबको पता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मेलि संहारम में कितने हैं, वहाँ पे भी सिक्स। मुद्रा राक्षसम में कितने हैं, वहाँ पे सात क्वेश्चन है। उसके बाद उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम में कितने हैं, वहाँ पे भी सात। उसके बाद रत्नावली, वहाँ पे चार होता है, रत्नावली नाटिका है, छोटी सी नाटिका होती है। उसके बाद मिश्रकथिक, मिश्रकथिक में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब कितने अंक होते हैं, वहाँ पे 10 अंक होता है। मिश्रकथिक में कौन से भाग होता है रूपक के, वो नाटक नहीं है, इसको नाट्य में लिखा गया, इसको प्रकरण बोलते हैं। मिश्रकथिक पर प्रकरण के अंदर आता है, प्रकरण जो रूपक के अंश होते हैं उसको प्रकरण के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही आता है, इतने सारे जो काव्य लिखे हुए हैं उनका उनका लेखक, तो स्वप्न वासवदत्तम का लेखक कौन है, भास होते हैं, उन्होंने 13 नाटक लिखे थे, रचना की थी उन्होंने। अभिज्ञान शकुंतलम इसका नाट्यकार हम नहीं बताएंगे। बेनी संगारम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनी संगारम नाटक के नाट्यकार कौन है, वो है भक्त नारायण जी। उसके बाद मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम का बहुत ही फेमस नाटक है, वो है विषाक्त तत्व। उसके बाद उत्तर रामचरितम वो पता है भगवती। उसके बाद रत्नावली है, हर्षवर्धन। उसके बाद है मिश्रकथिकम, मिश्रकथिकम है शूद्रक का, शूद्रक ने कौन से ग्रंथ से उपजीव्य करके लिखा है, वो है भास का जो सारुदत्तम नाटक है उसको आधार में लेके उन्होंने मिश्रकथिकम लिखे। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षसम जो कि 7 अंक है, 7 अंकों का जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो बार बार आता है। उसके बाद उत्तर रामचरित का जो 6 अंक है, 3rd अंक है, वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए 7.5 अंकों का नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मिश्रकथिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी बार बार क्वेश्चन आता है, मिश्रकथिकम के जो 10 अंक है, 10 अंकों का नाम हमें पता होना चाहिए। मिश्रकथिकम के बहुत ही फेमस बहुत सुक्तियाँ है, 15-16 सूक्तियाँ बहुत ही फेमस सूक्तियाँ है, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मुद्रा राक्षसम का जो कृतक कला नाम का एक जो अंक होते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो रघुवंशम, किरातोर्जुनम, शिशुपाल वध एंड नैषधीय चरितम, ये सारे जो महाकाव्य उनके पहले 5 या 10 जो श्लोक होते हैं वो हमें पता होना ही चाहिए, बार बार रिपीट होते रहते हैं। रघुवंशम का एक 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 लाइन दे देंगे तो पूछेंगे कि ये कौन से काव्य से लिया गया है, तो अगर हमने 5 या 10 क्वेश्चन 10 श्लोक हमने नहीं पढ़ी है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुक्का लगाना। इसलिए हम कहेंगे ये जो रघुवंशम, किरातोर्जुनम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम, ये सारे काव्यों का पहला 5 या 10 श्लोक हमें लिख लिख के पूरा कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ नहीं मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए कौन सा श्लोक कौन से काव्य के हैं। उसके बाद एक गद्य, गद्य दशकुमार चरितम, हर्षचरितम, कादंबरी, सुपर्ण सरोपसम। फिर से पहला क्वेश्चन है, दशकुमार चरितम में कितने उश्वास है, हर्षचरितम में कितने उश्वास है, कादंबरी में कितने उश्वास है, कितने भाग है। सेकंड क्वेश्चन, दशक कौन है मतलब लेखक कौन है दशकुमार चरित का, वो है दंडी। उसके बाद हर्षचरितम का कौन है, वो है बाणभट्ट, कादंबरी का भी बाणभट्ट है। इसको फिर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद शंपू काव्य, शंपू काव्य में दिया गया नला शंपू। एक क्वेश्चन दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था कि नला शंपू तिबिक, नला शंपू का रचक लेखक कौन है, वो है त्रिविक्रम भट्ट। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, डिस्कस करना, सिलेबस को पढ़ना। उसके बाद नला शंपू में कितने उश्वास होते हैं, वो है 7 उश्वास। उसके बाद नला शंपू कौन से
कौन से काव्य के उपजीव काव्य है, वो है महाभारत बड़ा पर्व। जो ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद नलसिंह प्रमेय भी थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद कई इम्पोर्टेंट सुक्तियाँ होती है, वो भी हम कवर कर लेंगे। सो नलसिंह प्रमेय थोड़ा इम्पोर्टेंस देना होता है हमको। उसके बाद है साहित्य व्याकरण, वो तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साहित्य व्याकरण में कितने चैप्टर होते हैं, वो है 10। पहले काव्य की परिभाषा, वाक्यम रचनात्मकम काव्यम, बहुत ही प्रख्यात एक वाक्य है जो कि काव्य को काव्य का संज्ञा डेफिनेशन देता है। उसके बाद काव्य के अनेक अन्य परिभाषाओं का खंडन, ये ज्यादा नहीं आता फिर भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद शब्द शक्ति जो है द्वितीय अध्याय, संकेत ग्रह अविधा लक्षण है व्यंजन, इसको हम पूरा हमको थरली पढ़ना होता है ताकि कोई भी छूट ना जाए, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। इसलिए सेकंड चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट से बहुत ही मन लगा के पढ़ना होता है। उसके बाद काव्य का भेद, चतुर्थ परिच्छेद, उसके बाद शब्द काव्य, शब्द काव्य कहाँ पे है, सिक्स चैप्टर में जो है उसमें है शब्द काव्य, उसमें गद्य पद्य मिश्रण काव्य, मिश्र काव्य क्या है, मिश्र काव्य शंपु काव्य है, गद्य पद्य मय काव्य शंपु इति अभिधीयते। उसके बाद गद्य का जो ये कितने भाग होते हैं, पद्य के कितने भाग होते हैं, शूर्ण पुंतक संग में भूल गया अभी, कोई नहीं बता देंगे। शब्द के कितने, गद्य काव्य के कितने भाग होते हैं, पद्य युग्मक संलिंगतकम ऐसे ऐसे भाग होते हैं। उसके बाद है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, ममता भट्ट। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, वो विश्वनाथ कविदास, सबको पता है। सो काव्य प्रकाश में क्या क्या पढ़ना होता है, काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य भेद, इतने तक पहले सप्ताह में कवर हो जाते हैं। काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य का भेद क्या है। काव्य का भेद तो तीन प्रकार दिया हुआ है, उत्तम मध्यम अवर काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, ये सब काव्य, शिष्ट काव्य, ये सब। सबसे उत्तम काव्य किसे कहा गया है, उसको ध्वनि काव्य को सबसे उत्तम काव्य कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। उसके बाद है शब्द शक्ति, वो ये द्वितीय अध्याय में आता है, अभितन्यवाद अनित अभिधानवाद, अभितन्यवाद किसने दिया है, कुमारन भट्ट ने, अनित अभिधान भाग किस, अनित अभिधानवाद ये किसने दिया है, प्रभाकर ने दिया है। उसके बाद रस स्वरूप, रस का स्वरूप, नौ प्रकार के जो रस होते हैं वो सारे हमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बेसिक आइडिया हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद रस सूत्र विमर्श, उसके बाद रस दोष, काव्य के गुण, व्यंजन वित्र की स्थापना, पंचम उल्लास, ये बार ये दिसंबर में फिर से एक क्वेश्चन आया था कि दिसंबर में नहीं, इस बार जून में आया था कि व्यंजन वित्र काव्य प्रकाश के कौन से चैप्टर में है, वो है पंचम उल्लास में है, व्यंजन वित्र बार बार आता है। उसके बाद अलंकार, सारे अलंकार हमको पढ़ना होता है, वक्रोक्ति, अनुप्रेस, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समाशक्ति, अपहनुति, निदर्शना, अठांतरणाश्रय, दृष्टान्त, विभावना, विशेषक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधावास, संकरण एंड संश्रेष्टि। डेफिनेशन और जो उदाहरण होते हैं वो इम्पोर्टेंट थे, उदाहरण हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद से धन्यालोक, धन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है वो भी आप कमेंट करके देखो, पता तो चले कि मतलब थोड़ा तो रिस्पॉन्ड कर रहे बाकी जो विद्यार्थी, मतलब करते हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, करेंगे जरूर, मुझे भी पता है, कमेंट जरूर करेंगे, आंसर भी देंगे। धन्यालोक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना, तभी पता चलेगा कि मतलब वीडियो बनाने का कुछ तो मतलब असर हो रहा है, मतलब वीडियो बनाने मेरा मेहनत थोड़ी बेकार नहीं जा रही, मतलब लोग भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए धन्यालोक के दर्शक वो एक क्वेश्चन रहा। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है, वो है राजा नकुंतक। धन्यालोक के कितने चैप्टर होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, 60 चैप्टर होते हैं जिसको हम उद्योग कहते हैं। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम में भी सारे उन्मेष होते हैं। उसके बाद भरत के जो नाट्य शास्त्र होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6 चैप्टर शास्त्र अध्याय से क्वेश्चन आते हैं, रस 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 जो सेंटिमेंट होते हैं उसके उसके संबंध में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा रस क्या है, कौन से रस के कौन से स्थायी भाव होते हैं, वो वैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नाट्यशास्त्र के कितने अध्याय होते हैं, वो है 36, शत्रिंशत अध्याय संति नाट्यशास्त्री। उसके बाद दशरूपकम, दशरूप ग्रंथ के लेखक कौन है ये भी कमेंट करके बताओ।
नहीं बता देते, जैसे रूपक के ग्रंथ के रचयिता है वह धनंजय, उसके बाद प्रथम तथा तृतीय प्रकाश, इसमें भी रस का ही बात डिस्कस की गई है। उसके बाद जो नाटक के जो संधि मुख प्रतिमुख ये सब डिटेल में पूछा गया है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एक छंद परिचय, छंद में क्या है, आइडिया अनुष्टुप इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा वसंत तिलेगा उपजाति, उपेंद्रवज्रा वंशस्थ धुत विलंबित शालिनी मालिनी शिखरिनी मंडकंटा हरिणी शार्दूल विकृता एंड श्रद्धरा, सभी इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, सभी जो संदर्भ दिए गए हैं उसका जो डेफिनेशन है वो हमको पता होना चाहिए, उसके बाद कितने अक्षर होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे स्तब्धरा में कितने अक्षर होते हैं, 21, इसका डेफिनेशन क्या है, मवनयना त्रयेन त्रिमणि अतियुक्तं स्तब्धरा कीर्तितेयम्, बहुत ही लंबा डेफिनेशन है पर दो बार तीन बार अगर इतिहास किए तो याद हो जाता है। उसके बाद शिखरणी है मालिनी, मालिनी का तो सबको पता ही है, ना ना मा या युत मालिनी भोगी लोकई। उसके बाद मंडक ग्रंथ है, मंडक ग्रंथ उम्बति रस नगोई में घनुक्त क यज्ञम, तो वंशस्थ विलम्ब है बदंती वंशस्थ विलम्ब जतऊ जरो दुत विलंबित माह नभो भर दुत विलंबित, इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुत विलंबित दुत, इसमें से 1 2 3 4 5 6 माह 7 8 9 10 भरो 12 अक्षर होते हैं, ऐसे हमको पढ़ना होता है। उसका भी एक बना ही देंगे वीडियो, कोई बात नहीं। उसके बाद इकाई नाइन में क्या है, सामान्य पुरुष, फिर से सामान्य पुरुष आ गया, रामायण है, उसका विषय वस्तु, उसका काल, उसका समास, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रेरणा स्रोत मतलब कौन से ग्रंथ कौन किसने लिखा है, अनर्घ राघवम ये रामायण पर आधारित ग्रंथ है इसलिए वो इम्पोर्टेंस है। अनर्घ राघवम किसने लिखा है, मुरारी जी ने लिखा है। उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ है, उसको हमको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कौन से ग्रंथ, अनर्घ राघवम है, प्रसन्न राघवम है, जैसे मालति माधवम है, सेतुबंधम है, इतने सारे। उसके बाद उसका साहित्य में रामायण में आख्यान ये ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद महाभारत फिर से वही है, रामायण में जो है वही है, यही पे भी है। उसके बाद पूरा पुराण की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराण की परिभाषा क्या है, पुराण का लक्षण, जो पुराणों का जो लक्षण होता है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब 5 लक्षण होते हैं पुराणों के, वो हमें याद होता है, सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंश मन्वंतराणि वंशानुसरितं सर्ग वंशानुसरितं पुराणं पंचलक्षणं, ये 5 लक्षण हमें याद रहना होता है, बार बार आता है क्वेश्चन। उसके बाद महापुराण, 18 महापुराण होते हैं, 18। उसके बाद उपपुराण कितने होते हैं, वो भी 18 या 30, उसका डिफरेंट वेरिएशन होता है कौन एक्सेप्ट करता है कितना। महापुराण 18 महापुराण का नाम हमें याद होना चाहिए, उसका एक श्लोक है, मद्वयं भद्वयं शैव भद्वयं वशरिष्ठं अनापद लिंग कुशकानी पुराणानी पृथक पृथक, याद करना पड़ेगा तो आसान हो जाता है कौन से पुराण क्या है। उसके बाद पौराणिक सृष्टि विज्ञान, मतलब या पुराण में तो कहानी, मतलब बहुत ही सारे स्टोरी टाइप होते हैं, कहानी होते हैं कैसे सृष्टि हुआ, ये जीव जगत, ये संसार कैसे सृष्टि हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब जीवन के सृष्टि। उसके बाद पौराणिक आख्यान, बहुत सारे आख्यान होते हैं, जैसे मनुमत्स्य कथा, ये कौन से पुराण में है, वो है मत्स्य पुराण, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। भागवत पुराण एक इम्पोर्टेंट पुराण है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद प्रमुख स्मृतियाँ, उनका सामान्य परिचय, उसके बाद अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र जो पूर्ति शानक्य ने लिखा है वो अर्थशास्त्र, उसमें से कितने सेक्टर होते हैं अर्थशास्त्र में, वो है 15 प्रकरण, 15 चैप्टर होते हैं अर्थशास्त्र में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिपि,
ब्राह्मी लिपि इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत उसके बाद अभिलेख के समय में पड़े। उसके बाद एक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम विनय अधिकारिक अर्थशास्त्र में जो 15 चैप्टर होता है उसके 15 चैप्टर उसमें 15 चैप्टर का 15 चैप्टर ही हमें नाम याद रखना होता है। पहला पहला चैप्टर का नाम क्या है विनय अधिकारिक, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है अध्यक्ष प्रसर, ऐसे सारे 15 चैप्टर का नाम हमें याद मतलब एक पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो जो अंदर की जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं, क्षत्रिय के कर्म क्या होते हैं, वैश्य के कर्म क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसको उसके बाद विद्या क्या होती है वो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति का प्रथम द्वितीय एंड सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय में से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी एक डिटेल एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। उसके बाद यज्ञवल्क्य स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितने चैप्टर होते हैं यज्ञवल्क्य, उसमें इसमें से 3 चैप्टर होते हैं, उसमें दूसरे चैप्टर का नाम है व्यवहार अध्याय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यवहार अध्याय, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद है लिपि तथा अभिलेख, ये 10 यूनिट है, 10वां यूनिट फाइनल यूनिट, आज आखिरकार खत्म हो ही गया, इतना लंबा सिलेबस एनालाइज करते करते मतलब थक गया मैं। लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, उसके बाद अशोक के जो अभिलेख मेन अभिलेख होते हैं प्रमुख प्रमुख शिलालेख प्रमुख स्तंभलेख उसका एक लिस्ट बना लेंगे जो कि हमें याद करना पड़ेगा, मतलब प्रमुख शिलालेख कहाँ पे है और उसकी भाषा क्या है उसकी लिपि क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मौर्योत्तरकालीन अभिलेख कनिष्क के शासन का सारांश, एक 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 ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ऐसा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही बार बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब रुद्रटामना का शिलालेख कहाँ पे है वो है गिरनार, उसके बाद खारवेल्ला का कहाँ है बाघ हाथीगुंफ, उसके बाद समुद्रगुप्त का क्या है इलाहाबाद, उसके बाद यशोधर्मन का क्या है मंडसौर, उसके बाद हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्टा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का आयलेख आय ए होल अभिलेख। उसके एक और क्वेश्चन आता है कि इन सारे अभिलेखों की भाषा क्या है और इन सारे अभिलेखों का लिपि क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का ब्राह्मी होता है किसी का खरस्ती होता है ऐसे ऐसे, किसी का कन्नड़ लिपि होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो यही था ये लास्ट स्लाइड था, तो उसके बाद थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक और बात बताना चाहता हूँ क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही लंबा था इसलिए इसको एनालिस करने में 3 पार्ट बन गए, इसके बाद एक नया सीरीज हम लाने वाले हैं वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन उसका एक डेली सीरीज बनाएंगे, डेली मॉक टेस्ट सीरीज, ताकि हमको पता चले हमारा बेस नॉलेज क्या है, उसके बाद हम प्रिपरेशन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं जो हमारा कमजोर फील्ड जो है हम वो पढ़ सकते, किसी का काव्य थोड़ा कमजोर होता है, किसी का फिलोसफी कमजोर होता है, किसी का वेद कमजोर होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका तीनों बहुत ही मतलब तीनों स्ट्रेंथ है तीनों शक्तिशाली है, और बहुत सी ज़्यादा लोग हैं जिनका तीनों ही खराब है, मतलब कुछ नहीं होता है वो लोग, इसलिए ये बहुत ही लाभदायक मॉक टेस्ट सीरीज डेली मॉक टेस्ट लगाना इसलिए बता रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब कर ही लो चैनल को ताकि मिस ना हो जाए। इसलिए फिर से एक बार बोलेंगे कि हमेशा जैसे बोलता हूँ फिर से बोलूँगा कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को समर्थन करना ताकि हम फिर से बढ़े एक साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर से सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, धन्यवाद।